हूं मोहित शर्मा और आप देख रहे हैं आर्ट गुरु मोहित शर्मा यूट्यूब चैनल। तो आज इस वीडियो में देखेंगे कि हम फेस किस तरह से बना सकते हैं। तो यहां पे मैं यूज़ कर रहा हूं सीमेंट। तो अगर आप सीखना चाहते हैं तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए, होप आपको वीडियो पसंद आएगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर देना, नीचे कमेंट करके जरूर बताना आपको वीडियो कैसी लगी। तो चलिए देखते हैं आज की इस वीडियो को। तो सबसे पहले जो बेसिक शेप होती है आप उसको अपना सीमेंट तैयार कर लेंगे। तो मैं यहाँ पे सीमेंट से वर्क कर रहा हूँ, तो आप देख सकते हैं। अगर आप सीखना चाहते हैं सीमेंट से वर्क तो वीडियो को ध्यान से देखिए, क्योंकि ये रियल टाइम वीडियो है तो आप इसमें काफ़ी कुछ सीख पाएंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं किस तरह से मैंने सबसे पहले जो बेसिक लेयर थी उसको यहाँ पे कंप्लीट किया है, सीमेंट की पहली लेयर लगाई है। और अब जो हमने जो स्ट्रक्चर निकल के आया है एक गोला सा बना लिया है लंबवत, उसको दो पार्टों में डिवाइड करेंगे और उसको जो क्षैतिज है उसको चार पार्टों में डिवाइड करेंगे, जिसमें एक पार्ट में हम बनाएंगे आइस, दूसरे में नोज और तीसरे में लिप्स। तो आप देख सकते हैं इस तरीके से आपको बना लेने बेसिक शेप। तो यहाँ पे मैं जो ऊपर वाला पार्ट है जिसमें हम फोरहेड बनाएंगे, जिसमें माथा बनाएंगे, उसको मैंने थोड़ा सा उभार लिया, क्योंकि हमारा जो फेस का जो स्ट्रक्चर होता है वो थोड़ा सा जो माथा होता है वो उभरा हुआ होता है। तो आप देखेंगे इस तरह से मैंने यहाँ पे उभार लिया है सीमेंट लगा के एक्स्ट्रा। तो यहाँ पे अब मैं नीचे वाले गालों को उभार रहा हूँ, तो गाल थोड़े से आगे बनाएंगे, तो गाल वाले पार्ट को हम थोड़ा सा उभार रहे हैं। और जो हमारे आई वाले सॉकेट हैं उसको हमने एज इट इज छोड़ा हुआ है, ताकि हम उसमें बाद में आईज अच्छे से बना सकें, तो उसको थोड़ा सा गहरा रहने दिया है। बाकी हम अभी जो गालों का पोर्शन है, जो ठोड़ी का पोर्शन है, उसको यहाँ पे कंप्लीट करेंगे। और जो पूरा ओवरऑल फेस की जो शेप है उसको हम बनाने की कोशिश कर रहे हैं, और बहुत ही अच्छे तरीके से उसको शेप में लाने की कोशिश करेंगे। और जो गाल हैं उनको उभार रहे हैं, और जो साइड वाला पोर्शन है उसको चारों तरफ से, मतलब तीनों तरफ से यहाँ पे देख रहे हैं, क्योंकि बैक साइड तो यहाँ पे है नहीं, तो यहाँ पे तीन साइड से इसको देखेंगे अच्छी तरीके से। तो साइड से भी जब आप देखेंगे, बहुत से बिगनर्स यहाँ पे ये गलती करते हैं कि जब वो इस तरह का फेस बनाने की कोशिश करते हैं तो एकदम सामने से ही उसको देखते हैं। तो जब सामने से आप देखेंगे तो आपका जो फेस है, जो बिगनर्स का जो फेस है वो एकदम फ्लैट सा हो जाता है, क्योंकि वो साइड से ध्यान नहीं देते। तो आपको साइड से भी देखते रहना है कि आपका जो बॉडी स्ट्रक्चर है उससे आपका जो फेस है वो कितने आगे को निकला हुआ है, वो भी चीज़ आपको यहाँ पे देखनी है, तब जाके आप अपना जो फेस है उसको बनाने की जो उसमें डिटेलिंग्स है उसको ऐड करेंगे। बाकी तब तक, जब तक आपके बॉडी स्ट्रक्चर के बराबर आपका फेस नहीं आ जाता, तब तक आप उसमें एक्स्ट्रा सीमेंट ऐड करते रहेंगे। और जो डिटेलिंग्स पार्ट हैं, जैसे नोज है, आईज है, इनको हम बाद में कन्वर्ट करते हैं, बाद में डिटेल्स करते हैं। पहले आपको एक बेसिक शेप तैयार करनी है, जो आपका बिल्कुल जो आपके फेस का जो स्ट्रक्चर होता है उस हिसाब से मैच करे, और आपके जो बॉडी पार्ट हैं पूरी बॉडी से आपका फेस जो है मैच होना चाहिए, ना कि बड़ा हो जाए ना कि छोटा हो जाए। तो ये चीज़ें आपको ज़्यादा ध्यान में रखनी है। तो यहाँ पे आपको यही चीज़ देखनी है, बिगनर्स के लिए खास ये बातें हैं कि आपको जो बॉडी रेशियो है उसके अनुसार ही आपका जो फेस है वो होना चाहिए। तो इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। तो ये चीज़ आप अगर ध्यान में रखते हुए चलते हैं तो आपका जो अनुपात है पूरी बॉडी रेशियो का अनुपात जो है वो एकदम बिल्कुल इक्वल आता है, और आपका जो फेस है बहुत ही अच्छा लगने लगता है। तो इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है, ये चीज़ आपको पॉइंट आउट करनी है यहाँ पे। तो बाकी चीज़ें सीमेंट में जब आप वर्क करते हैं तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा ध्यान और रखना पड़ता है कि आपको जब सीमेंट एकदम सूखने लगता है थोड़ा जल्दी जल्दी, तो उसको आपको टाइम टू टाइम थोड़ा सा ब्रश की मदद से या फिर आपको वाटर उसमें ऐड करते रहना है, ताकि उसका जो वाटर है वो ख़त्म ना हो, थोड़ा सा वो गीला रहे, बिल्कुल हार्ड ना हो जाए। तो इन चीज़ों का थोड़ा सा ध्यान रखना है, बीच बीच में थोड़ा सा उसमें वाटर ऐड करते रहेंगे ताकि वो एकदम से सूखे ना। तो इन चीज़ों का ध्यान रखना है आपको। और जो बड़े पार्ट हैं, जैसे आपका जो फोरहेड हो गया, आपका जो गाल हो गया, नेक हो गई, तो इन चीज़ों को जिनमें आपको डिटेलिंग्स ज़्यादा नहीं करनी है, इन चीज़ों को थोड़ा सा पहले बना लेना आपको, और इनको बिल्कुल स्मूथ करते हुए चलना है। अगर आप थोड़ा सा डिटेलिंग्स में जाएंगे, अगर आप आईज बनाने में लग गए, नोज़ बनाने में लग गए, लिप्स बनाने में लग गए, तो आपका जब ये ड्राई होने लगेगा आपका सीमेंट, तब आपको इसको स्मूथ नहीं कर पाएंगे। तो आप पहले पूरी जो ऑल स्ट्रक्चर है, पूरा जो गाल है और जो आपका फोरहेड है, उनको अच्छी तरीके से स्मूथ कर लीजिए पहले राउंड में ही,
और बाकी जो डिटेलिंग्स वाले पार्ट हैं आईज नोज और लिप्स, इनको बाद में ऐड करेंगे। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे नोज कंप्लीट कर लिया। तो नोज इसका काफ़ी एक डिफिकल्ट पार्ट रहता है, हालांकि डिफिकल्ट तो सारे ही पार्ट रहते हैं लेकिन फिर भी नोज में काफ़ी दिक्कत आती है क्योंकि छोटा पार्ट है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं किस तरह से मैंने नोज बनाई थी, थोड़ा सा उसको उभारा है, और भी जो लिप्स हैं जो हमारे गाल हैं उनसे भी थोड़ा सा और ऊपर को उभारा गया है आपकी नोज को। और आप देख रहे हैं किस तरह से मैं यहाँ पे लिप्स बना रहा हूँ। तो आपको एक लिप्स बहुत ही एक इम्पोर्टेंट पार्ट है, इम्पोर्टेंट रोल निभाता है आपके फेस के ऊपर। आपकी जो स्माइल है वो डायरेक्टली अट्रैक्ट करती है किसी को भी आपकी तरफ देखने के लिए। तो आपकी जो स्माइल है, जो आपके स्टैचू की, आपके स्कल्पचर की जो स्माइल है वो बहुत ही अच्छी होनी चाहिए। तो स्माइल पे आपको ज़्यादा ध्यान देना है। अगर आपकी जो स्ट्रक्चर, जो भी आप बना रहे हैं, जिसका भी फेस बना रहे हैं, अगर आपकी स्माइल उसमें काफ़ी अट्रैक्टिव होगी, काफ़ी अच्छी होगी, तो आपका जो स्ट्रक्चर है, जो स्टैचू है आप बनाए हैं, वो काफ़ी अट्रैक्टिव आपको देखने में लगेगा। तो स्माइल पे ज़्यादा ध्यान दीजिए, लिप्स पे, लिप्स की कटिंग देखिए किस तरह से हंसाया जाता है उसको। तो आप देख सकते हैं किस तरह से मैंने लिप्स यहाँ पे बनाए हैं। अगर आपको इसमें समझ में नहीं आ रहे हैं क्योंकि छोटे सी चीज़ें हैं, तो मैं इसकी जब बड़ी इसका स्टैचू बनाऊंगा तब उसमें आपको लिप्स बना के दिखाऊंगा कि किस तरह से बड़े स्टैचू के लिप्स आप बना सकते हैं। उसमें काफ़ी अच्छी तरीके से डिटेल्स में आपको समझ में आएगा। तो फिलहाल यहाँ पे आप देख सकते हैं पूरा ओवरऑल जो रेशियो है वो कितना अच्छा यहाँ पे निकल के आ रहा है, क्योंकि लिप्स भी आपको ज़्यादा बड़े नहीं करने हैं, ज़्यादा आगे नहीं निकालने हैं, ज़्यादा अंदर नहीं रखने, तो इन चीज़ों का थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है। अब हम यहाँ पे ट्राई कर रहे हैं आईज़ को। तो आईज़ इसमें बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है, तो आप आईज़ को अच्छी से बनाइए। और आप देख सकते हैं कितने छोटे छोटे टूल्स का यहाँ पे यूज़ हो रहा है, क्योंकि छोटी सी मूर्ति है और आप देख सकते हैं मेरी उंगलियों के बराबर, उंगलियों से भी छोटी सी है इनका फेस है। तो इस हिसाब से आपको टूल्स यूज़ करने हैं। जैसी मूर्ति होती है, अगर आप यहाँ पे बड़ा स्कल्पचर बना रहे हैं तो यहाँ पे बड़े टूल्स यूज़ करेंगे, और छोटा स्कल्पचर बना रहे हैं तो आप यहाँ पे छोटे टूल्स आपको यूज़ करने हैं। तो छोटे छोटे टूल्स की मदद से आईज़ की जो शेप होती है, उन चीज़ों को आप डिटेल्स में, अगर आप बहुत ही अच्छी तरीके से आप बनाना चाहते हैं, अगर आप एक बिगनर्स हैं तो आप इस चीज़ को पहले क्ले में ट्राई कीजिए। मिट्टी आप कहीं से भी ले सकते हैं, चिकनी मिट्टी ले लीजिए, उसमें आप बार बार उसको बनाने की कोशिश कीजिए, डिटेल्स वैल्यू को लाने की कोशिश कीजिए, आईज़ की जो ओरिजिनल शेप होती है उसको बनाने की कोशिश कीजिए, उसमें डिटेलिंग करिए। तो यहाँ पे थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है सीमेंट के मामले में, जब आप आते हैं सीमेंट से बनाने के लिए तो थोड़ा सा यहाँ पे डिफिकल्ट हो जाता है बनाना, क्योंकि यहाँ पे सीमेंट थोड़ा सा ड्राई होने लगता है और थोड़ा सा टूटने लगता है जब आप उसमें वर्क करते हैं। तो आपको बहुत ही ध्यान से यहाँ पे वर्क करना पड़ता है और आपके अंदर पेशेंस होना चाहिए। अगर आपका पेशेंस नहीं है तो आप इसमें वर्क नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं दोनों आईज़ मैंने कंप्लीट कर ली है, तो किस तरह का फेस लग रहा है अब दोनों आईज़ कंप्लीट करने के बाद यहाँ पे, और ऊपर हमने यहाँ पे बिंदी लगा ली है। तो आप देख सकते हैं पूरा ओवरऑल जो फेस है वो कितना अच्छा तरीके से निकल के आया है। और साइड से भी वैल्यू से आप देखते रहिए बार बार, आईज़ आपकी जो फोरहेड है उससे आगे नहीं आनी चाहिए। ये चीज़ें सारी जो मैंने आपको इस वीडियो में बताई हैं बिगिनर्स के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर आप और भी अच्छी तरीके से बनाना चाहते हैं, डिटेल्स वैल्यू अगर देखना चाहते हैं इस चीज़ में, तो मैं आने वाली टाइम में काफ़ी सारी वीडियो इस कल्चर से रिलेटेड लेके आता रहूँगा। फेस भी काफ़ी सारे आने वाले हैं आने वाले टाइम में। तो यहाँ पे मैंने हेयर भी इसके बना लिए हैं, तो इसकी नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट डे आएगी, तो आप देख सकते हैं किस तरह का यहाँ पे लग रहा है पूरी जो स्ट्रक्चर है हमारा माँ शेरावाली का। तो इसको कंप्लीट करेंगे, कंप्लीट वीडियो आपको देखने को मिलती रहेगी। तो अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि हमारी जो नोटिफिकेशन है आपको तक पहुंच जाए। होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।